Hello everyone, this is Shikha Singh and today we are going to study about the duties, qualities and importance of headmaster. यानी कि प्रधानाध्यापक के कर्तव्य गुण और महत्व के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ स्कूल हेडमास्टर. यानी कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो होते हैं उनकी बेसिक मीनिंग क्या होती है या वो कौन होते हैं. जैसा कि हमें पता है किसी भी जगह को चलाने के लिए, जैसे कि भी किसी देश को चलाने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी एक स्कूल को चलाने के लिए एक प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है. प्रधानाध्यापक क्या करता है, उसका काम होता है कि स्कूल अच्छी तरीके से चले बिना किसी रुकावटों के. प्रधानाध्यापक ये देखता है कि जो शिक्षक शिक्षक के साथ अच्छे तरीके से तालमेल बिठा के चले, छात्र आपस में झगड़ा ना करें, छात्र एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के चले, शिक्षक और निरीक्षक के बीच का जो संबंध है वो बना रहे, शिक्षक और अभिभावक के बीच के जो कड़ी है वो जुड़ी रहे, दोनों एक दूसरे के साथ सहमति के साथ काम कर सकें, दोनों एक दूसरे का सहकारिता के साथ काम कर सकें. इन सभी के संबंधों को संतुलित रखना और निरीक्षित रखने का काम कौन करता है, प्रधानाध्यापक करते हैं. विद्यालय का संपूर्ण कार्य सरलता एवं सुगमता के साथ चलता रहे इसके लिए उन आदेशों एवं शैक्षिक स्तरों का भी प्रस्तुत करना होता है जिसके पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विद्यालय सक्रिय रहता है. उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों के बारे में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या ड्यूटीज होती है हेडमास्टर की. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टीचिंग. जैसा कि हमें पता है एक टीचिंग किसका काम होता है, टीचर्स का काम होता है, बट उसके साथ साथ ही टीचिंग प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर का भी काम होता है. हेडमास्टर इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके साथ संबंध बना के चल सकते हैं. अगर कोई भी प्रधानाध्यापक चाहता है कि अपने छात्रों के साथ सामंजस्य बिठा के चल सके, उनके साथ घुल मिल सके, तो उसे क्या करना होगा, टीचिंग के थ्रू जाके उनसे कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा. मुख्याध्यापक का सर्वप्रथम कर्तव्य अध्यापन है. शिक्षण कार्य प्रधानाध्यापक के लिए छात्रों के संपर्क में आने का सर्वोत्तम साधन है. इसके लिए उसे एक या दो विषयों का विशेषज्ञ अवश्य होना चाहिए. उसे अपने विद्यालय में प्रत्येक दिन एक या दो घंटे अवश्य निम्नतम कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना चाहिए. यानी पर डे उसको कम से कम एक या दो घंटे अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ पीरियड्स उसको अटेंड करने चाहिए. दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्लानिंग, जो कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. किसी भी संस्था को चलाएंगे तो हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तभी वो संस्था अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, सुगम तरीके से काम कर पाएगी. तो प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व नियोजन करना होता है, यानी कि प्लानिंग करना होता है. विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं तथा कार्यक्रमों को संचालित करने से पूर्व उसे नियोजित करना आवश्यक होता है. किसी भी कार्य को अगर हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा. वैसे ही शैक्षिक संस्थान को चलाने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है. उसे विद्यालय खुलने से पूर्व, सत्र के दौरान तथा सत्र की समाप्ति आदि पर योजनाएं बनानी चाहिए. अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिलेक्शन ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम. जो पाठ्यक्रम हम जो चलाने वाले हैं अपने सत्र के दौरान, जो पाठ्यपुस्तकें हम लाने वाले हैं, उन सबकी पहले से क्या करनी होगी, सिलेक्शन करनी होगी, ताकि सत्र के दौरान हमें कोई समस्याएं ना आए. इसके लिए क्या करता है, इसके लिए प्रधानाध्यापक एक समिति का गठन करते हैं. जो समिति ये निर्धारित करती है या इंस्पेक्शन करती रहती है सत्र के दौरान कि कौन सा सिलेबस या कौन सा करिकुलम अच्छे तरीके से अप्लीकेबल है स्टूडेंट्स पे, उनके लिए प्रभावी है, इफेक्टिव है और कौन सा नहीं, और उसमें क्या चेंजेस होने जरूरी है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसके लिए काम करती है वो समिति. अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज हमारे लिए, जैसे हमने पहले भी देखा होगा, पढ़ा हुआ है कि को करिकुलर एक्टिविटीज क्या करती हैं, किसी भी छात्र के या किसी भी मनुष्य के डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसको लोग बच्चों के पाठ्यक्रम में अब कंपल्सरिली क्या किया गया है, इनबिल्ट किया गया है. आधुनिक युग में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक तथा साहित्यिक क्रियाओं को भी महत्व दिया जाने लगा है. अब पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग माना गया है. अतः विद्यालयों में इनका संगठन करने का महत्वपूर्ण दायित्व प्रधानाध्यापक का है. इनका संगठन करने से पूर्व उसे ये देखना आवश्यक है कि विद्यालय में कौन कौन सी क्रियाओं को सरलता एवं सुचारू रूप से चलाना है, जिससे छात्रों की में बहुमुखी विकास हो सके. अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की फैसिलिटीज देना.
हमारे स्टूडेंट्स के लिए जितना जरूरी पढ़ाई होती है उतनी ही ज्यादा जरूरी क्या होती है, फिजिकल एजुकेशन, जो कि उनके शारीरिक विकास में लाभदायी होती है, शारीरिक विकास के लिए जरूरी होती है। तो प्रधानाध्यापक का काम होता है कि जो बच्चों उनके यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके लिए शारीरिक खेलकूद या व्यायाम का आयोजन करवाएं, जिनसे कि उनका शारीरिक विकास भी साथ साथ होता रहे। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो डॉक्टरी सेवाएं जैसे कि इन्फर्मरी आजकल बनाई जाती हैं स्कूल्स में, वो सब कराई जाए। वो भी किसका काम होता है, प्रधानाध्यापक का काम होता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, जैसे कि एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद टीचर्स, टीचर्स के साथ सही रिलेशन बना के चलना कि टीचर्स हमारे कोऑपरेटिव होके काम कर सके उनके साथ। दूसरा स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप बना के चलना, सही से संतुलित संबंध बना के चलना। नेक्स्ट इज पेरेंट्स रिलेशनशिप, ताकि पेरेंट्स आके कोऑपरेटिव तरीके से काम कर सकें, पेरेंट्स को अगर कोई क्वेरीज हैं तो आपसे आके क्लियर कर सके। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या से कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्रधानाध्यापक का पद बहुत ही दायित्वपूर्ण होता है। इस पद के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रधानाध्यापक में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। इस विषय में ब्रेन लिखते हैं वह प्रबंधक, नेता प्रशासक, व्यापारी डायरेक्टर, संयोजक, निरीक्षक, अध्यापकों का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र आदि सब कुछ है। प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला है आपका नेतृत्व की भावना, यानी कि लीडरशिप। किसी भी एक प्रधानाध्यापक के अंदर, किसी भी एक हेडमास्टर के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है कि वो अपनी जो टीम है, यानी कि टीचर्स हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर्स हो, इंस्पेक्टर हो, इन सबको प्रॉपरली लीड कर सके, उनका निर्देशन कर सके। नेक्स्ट है आपका सहानुभूति की भावना। सहानुभूति यानी कि सिंपथी, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सिंपथी बना के चल सके, सिंपथी के साथ काम कर सके, उनकी भावनाओं को समझ सके। नेक्स्ट इज हाई मोरल वैल्यूज। अब जो अध्यापक है, अगर उसके अंदर ही हाई मोरल वैल्यूज पहले से डेवलप नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा, उनके अंदर वो वैल्यूज डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। अब किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उनका निवारण करने के लिए जरूरी होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर पहले खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल एस्टेब्लिश रहे। अगर हम कोई प्रॉब्लम को खुद से ही डील नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को सोल्यूशन उसका नहीं दे पाएंगे। इसीलिए किसी भी एक अच्छे प्रधानाध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज स्किलफुल लीडरशिप, यानी कि कुशल प्रशासक। अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, स्किलफुल लीडरशिप होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट इज जस्टिस, न्यायप्रियता, यानी कि सबके साथ इक्वालिटी बना के चले, सबको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास सोल्यूशन मांगने आ रहा है, रिड्रेसल मांगने आ रहा है, तो आप उसको क्या दे सको, प्रॉपरली न्याय दे सको, जस्टिस दे सको। नेक्स्ट इज सोशल होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सके, लोगों की भावनाएं समझ सके, लोगों से बात कर सके, सोशल क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गुड ओरिएटर। गुड ओरिएटर का मतलब होता है भाषण कला में निपुणता, यानी कि जो भी आदमी बोलना चाह रहा है, जब उसके अंदर बोलने की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आदमी क्या कर पाएगा, अपनी बातें दूसरे को अच्छे से समझा नहीं पाएगा। इसीलिए कुशल वक्ता होना बहुत जरूरी होता है प्रधानाध्यापक को, ताकि जब वो बात करे या अपनी बात किसी को समझाए तो लोग उसकी बातों की तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी बातें सुनने के लिए खुद को अट्रैक्टेड महसूस कर सके। सो दीज वर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड हेडमास्टर। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।